हेलो दोस्तों, जैसा कि कंप्यूटर टॉपिक में हमारा छुटा था इंटर की, जिसे कहा जाता है रिटर्न की। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत डॉलर, नए पंक्ति का आरंभ यश कीबोर्ड के दोनों स्थानों पर स्थित होता है। टैब की टेबुलेटर की, जिसे कहा जाता है, इसका उपयोग कर्सर को निश्चित दूरी तक एक में लगाना, ब्राउजर पेज में एक दूसरे लिंक पर जाना, वर्ड या एक्सेल के टेबल के एक दूसरे वर्ग में जाना, डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से एक का चयन हेतु प्रयोग किया जाता है टेबुलेटर की का। स्केप की कैंसल बटन की समतुल्य पावर पॉइंट स्लाइड शो, रुक जाना, वेब पेज चलता एनिमेशन रुक जाना, लोड हो रहा हो तो रुकना, प्रोग्राम बंद कर देना या बाहर आना, कंट्रोल प्लस एंटर, मेनू खुल जाना, स्टार्ट मेनू खुल जाना। स्पेस बार शब्दों के मध्य जगह डालने हेतु कीबोर्ड की सबसे लंबी की है। बैक स्पेस के कर्सर के ठीक बाईं ओर चिन्हों अक्षरों को मिटाने हेतु प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस की का। डिलीट की कर्सर के ठीक दाईं ओर अक्षर चिन्ह जगह मिटाने हेतु डिलीट की का प्रयोग किया जाता है चयन इसका। सिलेक्ट शब्द लाइन पेज फाइल ड्राइविंग को मिटाने के लिए भी किया जाता है। कंट्रोल की संयोजन बटन कंबाइनेशन, जिसे कंबाइनेशन की बटन कहा जाता है, किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करना। इसके कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता है, इसे संख्या टू। कंट्रोल प्लस सी, जिसे कॉपी किया जाता है। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस यक्स कट करना होता है। प्रिंट स्क्रीन की स्क्रीन में उपस्थित फाइल फोटो को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी की को दबाया जाता है। स्क्रॉल की टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रोकने या वापस शुरू करने के लिए स्क्रॉल की बटन का प्रयोग किया जाता है। पेज की का प्रयोग स्थिति कीबोर्ड के ऊपर दाहिने तरफ उपयोग कंप्यूटर में चल रहे अस्थायी कार्य को रोकने हेतु पॉज की बटन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में चल रहे वीडियो को एक जगह रोकना, एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर में चल रहे वीडियो को एक जगह रोकना। मॉडिफायर की संयोजन की दूसरे की कार्य को रूपांतरित कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर यक्स प्लस या फोर सक्रिय प्रोग्राम विंडो बंद करना। मॉडिफायर शिफ्ट की कंट्रोल की आल्ट की का प्रयोग किया जाता है मॉडिफायर करने के लिए। माउस माउस एक इनपुट डिवाइस है।
इसका नाम पावर पॉइंट भी, पॉइंटर भी कहा जाता है, पॉइंटर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1946 में डागलस सी इंजलेवर्ट ने की थी, इंजलेवर्ट ने की थी। बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रैल, व्हील बटन। माउस पैड, माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु। कार, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। इसका स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चयन करना, सामान्यतः ओके के लिए भी लेफ्ट की किया जाता है। डबल क्लिक, लेफ्ट बटन, जल्दी जल्दी दो बार दबाना, फाइल डॉक्यूमेंट प्रोग्राम खोलने के लिए जल्दी जल्दी दो बार दबाना पड़ता है डबल क्लिक करने पर। राइट क्लिक करने पर एक बार दबा कर छोड़ने पर स्क्रीन पर आदेशों की सूची देना। ड्रैग, ड्रैग या ड्राप, किसी चीज़ को स्क्रीन के एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है ड्राइव, ड्राप। पॉइंटर को लेकर लेफ्ट बटन को दबाएं, दबाए हुए दूसरे जगह ले जाने हेतु किया जाता है। कनेक्शन की, फंक्शन की स्थिति, कीबोर्ड की सबसे ऊपर संख्या 12 F1 से F12 तक है। F1 हेल्प के लिए, F2 चेंज फाइल और फोल्डर नेम के लिए, F3 फाइंड द फोल्डर इमेज फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है। F4 बटन का प्रयोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलना, Alt+F4 में चालू प्रोग्राम बंद करना, F5 में रिफ्रेश लाना या लगाना, वेब पेज दोबारा लोड करना। F6 बटन का प्रयोग MS वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो बार दबाने पर मेनू बार सक्रिय होता है। F7 में MS वर्ड में अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वेयर वर्ड में कितनी वर्तनी व्याकरण संधि गलती को सुधारना। F8 बटन में कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय बूट प्रक्रिया चालू करना, जिसे विंडो 7, विंडो 8 कहा जाता है। F9 MS वर्ड में सिलेक्शन हटाना या सेंड प्राइसो बूट प्रक्रिया चालू करना। F10 5 का प्रयोग बटन का प्रयोग प्रोग्राम की मेनू बार सक्रिय करना। Select+F10 डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का प्रयोग करने के लिए F10 बटन का प्रयोग किया जाता है। F11 इंटरनेट स्कॉलर एक्सप्लोरर को कुल स्क्रीन पर देखने हेतु, फुल स्क्रीन पर देखने हेतु। F12 एमएस वर्ड में सेव एज विंडो खोलने के लिए F12 बटन का भी प्रयोग किया जाता है। विटिंग, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रिफ्रेश्ड करने के लिए किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर, टेस्ट इमेज डिलीट रूप में परिवर्तित इनपुट डिवाइस को स्कैनर के रूप में जाना जाता, प्रयोग किया जाता है। उपयोग, डाटा इमेज कंप्यूटर में डालना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में परिवर्तन करना, छपी हुई पुस्तकों को ई पुस्तकों में बदलना। प्रकार, स्कैनर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें हम विभिन्न जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर, किसी भी डॉक्यूमेंट पेपर को स्कैन कर सकता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट की कॉपी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर, इसका प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य हेतु करते हैं। शरीर के अंगों को स्कैन करने हेतु विभिन्न प्रकार के स्कैनर की जरूरत होती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, हार्ट स्कैनर के रूप में जाना जाता है। जॉयस्टिक, उत्पत्ति,
प्रारंभिक 20वीं सदी में 1908 में हुई। किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई? फ्रांसीसी पायलट रॉबर्ट स्नाल्ट एल्टरी के द्वारा। जायस्टिक शब्द की प्रविष्टि नामकरण 1909 में रॉबर्ट लॉरेन अपनी डायरी में किया। क्या कहा है? यह एक इनपुट उपकरण है जो किसी धुरी पर घूमने वाली एक घड़ी से बना होता है, जो अपने कोण या दिशा की सूचना उस उपकरण को देती है जो उसके नियंत्रण में होता है। इसका उपयोग वीडियो गेम, क्रेनों, ट्रकों, खनन, पानी के भीतर मानव रहित वाहनों हेतु पहिएदार कुर्सियों में निगरानी कैमरों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल इसकी खोज राल्फ बेंजामिन ब्रिटेन के जो थे 1946 से 47 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने इसकी खोज की ट्रैक बॉल की। ये एक प्लास्टिक के बॉक्स में एक बॉल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरह से कर्सर का प्रयोग कार्य करता है। तो आज हमारा इसी जगह पर इसी टाइम पर कंप्यूटर की टॉपिक समाप्त होती है। इसके लिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर कल के लिए जय हिंद दोस्तों।